हेलो फ्रेंड्स, आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऑल अबाउट क्रिसेंथेमम पार्ट टू, आप इसको मान सकते हैं। तो आज की इसमें हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पेस्ट का अटैक होता है। नॉर्मली इसमें ब्लैक एफिड्स का बहुत ज़्यादा होता है, इसकी जो बर्ड्स निकलती हैं तब भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी का पास में जो है हमारे और प्लांट्स में से इसमें मिली बग भी आ जाते हैं उस प्लांट पे से हट करके। तो देखिए, मेरे पे भी कुछ कुछ लग रहे हैं, मैंने कल किया था ये चीज़ तो मेरे हट चुके हैं। काफ़ी बढ़िया ये चीज़ है, होममेड चीज़, आप बना करके इसको रख लीजिए। सारे प्लांट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं जब आप सॉइल मिक्सचर बनाएं। साथ ही साथ इसमें पिंचिंग ज़रूर करते रहिए। देखिए, मेरे सभी प्लांट में पिंचिंग ज़रूर हो रही है, इससे क्या हैवी फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी। तो इससे क्या है, ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी तो उन सभी में बर्ड्स भी निकलेंगी, बर्ड जो होती हैं सॉरी। तो हम लोग आपको एक बढ़िया सा चीज़ बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो है हर चार दिन में आप ये चीज़ करते रहिए और इसको बना करके आप स्टॉक में रख लीजिए, सभी प्लांट्स में यूज़ आएगा आपके। तो देख सकते हैं सभी में पिंचिंग है और कुछ प्लांट हम लोग मदर प्लांट भी बना रहे हैं अलग से, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हम ये आपको दिखा रहे थे, ये है मेरा वुड ऐश। तो इस वुड ऐश को मैंने घर पे बनाया। वुड ऐश नहीं बना सकते हो, लकड़ी की राख नहीं बना सकते हो तो आप कोयले की राख बना सकते हो, कोयले की नहीं बना सकते तो आप उबलों की भी बना सकते हो। इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तीनों एक ही काम करेगी, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर डालनी है तो अब हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आपको 1 टीस्पून लेना है और प्लांट के ऊपर स्प्रकल कर देना है, पूरे प्लांट के ऊपर आपको इसको अच्छे से स्प्रकल कर देना है। या तो आप इस चीज़ को सुबह के अर्ली मॉर्निंग कीजिए या इवनिंग में कीजिए, शाम के समय कीजिए। सुबह करेंगे तो शाम तक आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप शाम के समय करेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसकी सॉइल में भी आप डाल दीजिए जिससे कि ये जो है कोई भी फंगस वगैरह इस प्लांट में ना आए। सभी प्लांट में डालते रहिए, हर चार दिन में इस काम को आप करिए। और इसमें आप जो है गोबर की खाद ज़रूर डालिए, गोबर की खाद सबसे बेस्ट है क्रिसेंथेमम के लिए। तो हम लोग आपको बता रहे थे कि आप इसमें वुड ऐश में क्या मिलाइए। तो वुड ऐश में आप इसमें दालचीनी मिलाइए, हल्दी मिलाइए और साथ ही साथ कोई भी फंगल का आपके पास पाउडर हो वो मिलाइए। उम्मीद है आप सब लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब